बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ और आज हम इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ये हर घर में खाई जाती है, हर बंदा इसको पसंद करता है। आज हम मटन रान रोस्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं मटन रान रोस्ट करने के लिए हमें किन किन अज़ा की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले मसाला जात की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला जात में लिया है, मसाला जात में सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये 3 टेबलस्पून जो है जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल, और उसी के साथ यहाँ पे 1 टीस्पून जो हल्दी है, 1-1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जो है मेरे पास यहाँ पे बारबेक्यू मसाला है यानी कि तिक्का मसाला, 1.5 टेबलस्पून है, और उसी के पास साथ जो है 1 टीस्पून जो है मेरे पास यहाँ पे लहसुन का पाउडर और ये 3 जवे लहसुन के, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 4 टेबलस्पून जो है नींबू का रस, 1/2 कप पानी, सुरख मिर्च 1 टीस्पून और सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक हसबे जायका। सबसे पहले जो है हम अपने मटन के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा चर्बी है तो वो निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसको कट लगाएंगे। मैंने जो है इसको यहाँ से इसके जॉइंट से ऑलरेडी कट लगवा लिया था कसाई से, अब हम जो है इसको कट लगाएंगे। और कट लगाने का तरीका ये देखिए, इस तरह छुरी रख के ये इस तरह डीप कट लगाएंगे हम, 1 और ये 2, और एक कट जो है हम यहां से लगाएंगे साइड से ये कट। इस तरह लगाने के साथ ही जो है हम इसको थोड़ा डीप कट लगाएंगे। अब यहाँ पे इसकी ये मछली पे भी ये किस तरह से हम कट लगा देंगे ताकि जो है मसाला बिल्कुल अंदर तक चला जाए। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और अब जो है इस तरफ भी जो है हम ये थोड़े से इसके ऊपर कट लगा लेंगे। कट जो है हमेशा आपने थोड़ा डीप लगाना है, एक यहाँ पे और ये इसके इस तरफ भी, ये इस तरह से हमने इसको अच्छे से, ये देखिए ये कितने डीप कट जो मैंने लगाए हैं इसको, और इसी तरह से जो है अब आपने इसको साइड पे रख देना। ये साइड पे जो इसकी चर्बी है ये हम इसके साथ से उतार देंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है गोश्त, ये कट देख ले, ये दोनों तरफ जो है अच्छे से लग चुके हैं। ये देखिए ये कितने डीपली कट है। और अब जो है हम इसको मसाले की तरफ चलते हैं, मसाला बनाने की तरफ। ये ले जी, एक कट जो है मैंने यहाँ पे लगा दिए, अब इसको हम साइड पे करते हैं और मसाला तैयार कर लेते हैं। अब इसका मसाला तैयार करते हैं, ये 1/2 कप जो पानी हमने लिया था वो ऐड कर देंगे और इसी के साथ जो नींबू का रस है वो इसमें ऐड कर देंगे हम, और इसी के साथ जो है ये बारबेक्यू मसाला, गरम मसाला और उसके साथ जो है काली मिर्च, सुरख मिर्च दादड़ और सुरख मिर्च नॉर्मल, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये लहसुन को जो है हम इसको बारीक करके इसमें ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल चॉप जो किया हुआ है वो इसकी मदद से अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल चॉप हो गया लहसुन। अब हमारे पास जो है इसका आखिरी जवार आ गया, अब हम उसको चॉप कर लेंगे इसकी मदद से। ये ऐड हो गया इसके अंदर, अब इसी के साथ जो है इसमें हम ये गार्लिक पाउडर भी ऐड कर लेंगे और नमक जो है हसबे जायका हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये इसका अमेजा हो चुका है तैयार।
अब इसी के साथ जो है इसमें अंदर हम ये जैतून का तेल भी ऐड कर देंगे। अब हम चलते हैं इसको मैरिनेट करने की तरफ। ये जो अब जो मसाला है हम इसके ऊपर हल्के से इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे मसाले को। ये इसके हर तरफ से जो है हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि जो है ये मसाला अंदर तक चला जाए। इसको इस तरह रख के ये इस तरह से जो है हम इसके अंदर तक ये मसाला लगाएंगे। अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करने के बाद जो बाकी मसाला रह गया है अब हम वो लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसी तरह से इसको पूरे मसाले के अंदर जो है हम अच्छे से डिप कर देंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह चला जाए। इसको जो है हम यहाँ पे अच्छे से सारे मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। आपने इसको कम से कम जो है ओवरनाइट के लिए रखना है। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो फिर इसका रिजल्ट जो है अच्छा बनाएगा। अब हम जो है इस तरह ब्रश की मदद के साथ जो है ये मसाला अंदर तक इस तरह से और भी लगाएंगे। ये देखिए ये इसको जो है अच्छे से हम बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से हम इसको ये मसाले से भरेंगे। ये इसकी हर जो है सुराख उसके अंदर जो है हम इसको मसाले को भर देंगे। अब हम जो है इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये ले इसकी साइड चेंज हो गई। अब फिर ब्रश की मदद के साथ इसको और मसाला लगाएंगे इसके ऊपर। ये तकरीबन 3 किलो की इकरान है जिसको मैं बनाने लगा हूं। अब जो है हम इसको ये एल्युमिनियम की मदद के साथ इस तरह से रैप करके ओवरनाइट के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूंगा। इसको जो है ये देखो अभी और एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी मुझे। इसके ऊपर जो है इस तरह से एल्युमिनियम हम लगाएंगे। ये देखिए इसको जो है अच्छी तरह से आपने इस तरह एल्युमिनियम की मदद के साथ ये अच्छी तरह इसको बंद कर देना। ये जितना अच्छा आप इसको एल्युमिनियम में बंद करेंगे उतनी ही अच्छी बनेंगी। हर तरह से कहीं से भी जो है मसाला निकल ना पाए इतनी अच्छी तरह आपने इसको एल्युमिनियम में इस तरह बंद कर देना। ये अभी हम जो है थोड़ा सा और एल्युमिनियम लगाएंगे इसके ऊपर और इसको ये हम बंद कर देंगे। लेजीवर्स अब मैं मिलता हूँ आपको ओवरनाइट के बाद। लेजीवर्स ओवरनाइट के लिए मैंने अपनी ये रान को रख दिया था और अब माशाल्लाह देखिए किस तरह मसाला इसके अंदर रच बस गया। ये मैंने ओवन ट्रे लेके उसमें ये एल्युमिनियम का पेपर लगा के इसको रख दिया और ओवन को मैंने 220 डिग्री पे स्टार्ट कर दिया। जब तक वो गर्म होता है ओवन तब तक हम अपनी ये कुछ सब्जियां काट लेते हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर, 2 प्याज, 1 शिमला और 1 ग्रीन चिली ली है। अब इनको ब्रीक चॉप करके हम जो है इसमें ऐड कर देंगे। ये अपने मटन के ऊपर जो है हमने ये जो वेजिटेबल्स काटी हैं ये इसको ऐसे साइडों पे हम जो है लगा देंगे।
ताकि इससे जो है मटन को टेंडरनेस मिलेगी। और ये देखिए इसी के साथ जो है आपने, अगर तो आपका ओवन स्टीम वाला तो आपको अलहदा से पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका ओवन स्टीम वाला नहीं है तो आपने अलहदा से एक बेचकी में पानी गर्म कर लेना है। तो फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे और क्या करना है। हम जो है इसको ऊपर से भी अल्मीनियम के साथ कवर कर देंगे अच्छी तरह से। ये जो है अब हम इसको इसमें रख देंगे। अब इसको स्टीम देने के लिए ये मैंने एक बर्तन लिया है और इसके अंदर जो है हम ये अलग से गर्म पानी ऐड कर देंगे इसकी स्टीम के लिए। इसको अलहदा से स्टीम देने का ये तरीका है। अब इंशाल्लाह ताला इसको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। ये इसके अंदर मैंने वो गर्म पानी और ऊपर वो मटन रख दिया है। अब इंशाल्लाह ताला इसको 2-2.5 घंटे लगेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको मिलता हूँ 2 से 2.5 घंटे के बाद। नहीं जी बस 3-3.5 घंटे के बाद हमारी रान तैयार है, ये आपके सामने है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका गोश्त है। ये देखिए ये किस तरह माशाल्लाह इसके रेशे अलग हो रहे हैं गोश्त के, और ये कितना ये सॉफ्ट है, ये आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए इसी तरह आप भी बनाइए, बना के मुझे ज़रूर बताइए ये कैसी बनी है आपसे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपका अपना शेफ शेफ इनाम। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।